हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कमीज में आर्मो लेंथ किस तरीके से रखते हैं वो सिखाने वाला हूँ। क्योंकि मैं जो आर्मो लेंथ रखता हूँ कि आप 7 इंच पे रख दो या आप 7.5 पे रख दो, मतलब 7 साढ़े 7 पे रख दो, लोग कहते हैं कि आखिर ये किस तरीके से आप रखते हो और इसका क्या फार्मूला है। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसके ऊपर, मैंने वीडियो और भी बनाई है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनको क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। इस वीडियो में दोस्तों इस सारे के सारे कंफ्यूजन में दूर करने वाला हूँ और नाप लेके आर्म लेंथ आप किस तरीके से रखेंगे, इसमें किन बातों का आपको ख्याल रखना है सब बताने वाला हूँ। तो ये सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जिस अगर आप एंड तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो आर्मो लेंथ निकालने में आपको परेशानी नहीं आएगी और ये आर्मो लेंथ सिर्फ कमीज के लिए है, ब्लाउज के लिए मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको ये सिखाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा अमीना बुटीक पेपर कटिंग्स के बारे में। दोस्तों जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है आर्मो लेंथ निकालने में, तो वो हमारे कमीज के पैटर्न, ब्लाउज के पैटर्न परचेस कर सकते हैं, ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूरी जानकारी ले लें। और दोस्तों इसकी मदद से आप जिनको कटिंग नहीं आती बहुत आराम से वो कटिंग कर सकते हैं, घर बैठे अपने सूट सिल सकते हैं। इसका क्या प्राइस है सब कुछ आपको इस नंबर पे जब व्हाट्सएप मैसेज करेंगे पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं अपने भाई को बुलाता हूँ और सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि आपको आर्मो लेंथ निकालने के लिए किस चीज का नाप लेना है जिसकी मदद से आप आर्मो लेंथ परफेक्टली निकालेंगे। तो ये देखिए, आप किसी भी जब लेडीज का नाप लेते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप बिल्कुल सटीक फार्मूला, क्योंकि जब आप आते हो कि फार्मूले की बात आ जाती है तो आपको नाप भी बिल्कुल परफेक्ट लेना है। अगर आपने मान लीजिए इनका मैं अभी नाप लेके दिखाऊंगा, और अगर आपने गलती से भी इनका नाप गलत ले लिया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जो भी नाप लूंगा 17 इंच, तो 17 इंच के हिसाब से आर्मो लेंथ आएगी, लेकिन गलती से अगर मैंने 15 इंच ले लिया तो 15 इंच के हिसाब से आर्मो लेंथ निकालेंगे हम, क्योंकि हमने तो नाप लिया है। तो नाप को आपको परफेक्टली लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम कहीं ना कहीं अंदाजा भी चलाते हैं। अब अंदाजा ये कैसे आता है ये भी चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं जो काम कर रहा हूँ, तकरीबन 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो कटिंग वगैरह मैंने करीब 8-9 साल से कटिंग करना स्टार्ट करी, तो मुझे मालूम है कि 32 साइज में इस तरीके का इतनी लेंथ पे आर्मो लेंथ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। कहीं ना कहीं 95% ये फार्मूला काम करता है अंदाजे वाला, बाकी कहीं ना कहीं हम नाप भी लेते हैं। लेकिन अब नाप लेके मैं आपको बताता हूँ कि नाप को किस तरीके से लेना है। अगर आपका नाप गलत होगा, अभी आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपका नाप गलत है तो आपका आर्मो लेंथ भी गलत हो जाएगा। तो देखिए इधर घूमो थोड़ा सा, ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये देखिए अभी इनका ना यहाँ पे लूज है, ये है आर्मो लेंथ, दबाना, ये आर्मो लेंथ है, ठीक है, हाथ उठाओ। अब कोई लेडीज अगर आती है टी शर्ट पहन के या कुछ पहन के, तो उनको कहो नहीं आप कमीज पहन के आओ, और इन चीटे में देखो ये इंच है, आपको बस ऐसे रखना है, ठीक है, और ऐसे रखने के बाद इस तरीके से दोस्तों आपको नापना है। इधर सीधे हाथ नीचे रख लो, जब आर्मोल लेंथ का कर लोगे तो आपको राउंड आर्मोल नापना है। जैसे इनका मैं नाप रहा हूँ, इनका है आप देख सकते हैं 18.5 इंच, ठीक है, ये आपका राउंड आर्मोल होगा। अब इसके हिसाब से कैसे निकालेंगे मैं बता दूंगा। अब इनकी मैं एक बार चेस्ट भी नाप लेता हूँ। अब ये मैं जेंट्स नाप ले रहा हूँ, अब ये मत समझना कि क्या नाम है जेंट्स का है, ये मैं आपको लेडीज का ही बता रहा हूँ, लेकिन चेस्ट नाप रहा हूँ। अब जैसे कि मान लो मैंने चेस्ट नापी 41 और आर्मोल लेंथ है राउंड, राउंड आर्मोल लेंथ कहते हैं, राउंड आर्मोल कहते हैं इसको, ये है 18.5, तो 41 यहाँ पे चेस्ट होगी, राउंड आर्मोल हो गया इनका 18.5। अब मैं इसके हिसाब से आपको कटिंग करना बता दूंगा कि किस तरीके से आप इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों अभी मैंने जो अपने भाई का नाप लिया 41 चेस्ट का नाप लिया, ठीक है, 18.5 राउंड आर्मोल, ठीक है, ये मैंने 18.5 राउंड आर्मोल लिया। अब देखिए दोस्तों जो मैंने 41 इंच चेस्ट का नाप लिया है, जब किसी भी लेडीज का आप नाप लेते हैं तो इसमें आप प्लस करते हैं 3 इंच, ठीक है, यहाँ 3 इंच प्लस करते हैं, नाप हो जाता है आपका 44। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 44 चेस्ट में मैं आर्मो लेंथ कितना रखता हूँ अंदाजे से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक निशान लगा लेता हूँ, अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ उस चीज को आप ध्यान देना। मैं इसमें 44 चेस्ट में जो आर्मो लेंथ रखता हूँ गले वाले के लिए, वो रखता हूँ मैं 7.5 इंच, ध्यान से देखना 7.5 इंच। तो हम इन चीटे को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा देंगे, ये है मेरा अंदाजा। और ये अगर आपको जानना है कि कितनी आर्मो लेंथ हम अंदाजे से रखते हैं, दोस्तों इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसके अंदर पूरा 30 साइज से लेके 54 साइज तक किसमें कितनी आर्मो लेंथ होनी चाहिए मैंने पूरा एक एक चीज बताई है। तो आप उस वीडियो को देख लेना तो आर्मो लेंथ का आपको पता चल जाएगा, वो है अंदाजे वाली, जो कि मेरी लगभग 90 से 95% ओके बैठती है, ठीक है। तो ये आर्मो लेंथ हो गया, कमर का निशान मैं अंदाजे से लगा लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इन दोनों निशानों को करूंगा सीधा, अब यहाँ पर
41 + 3 44, तो अपनी आर्म और लेंथ पर ही हम 44 का एक चौथाई 11 इंच हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखना, कभी कभी जब हम मेन बस्ट नापते हैं, जैसे कि ये देखिए लेडीज की जो मेन बस्ट होती है, एक होती है अपर चेस्ट, एक होती है मेन बस्ट, ठीक है। जब हम मेन बस्ट नापते हैं, इसमें 3+ करते हैं, तो कभी कभी हमारे यहाँ पर हल्की सी झोल आती है। तो मैं क्या करता हूँ कि आप इस जगह पे जो आपका ये कोना बना है ना, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 1/2 इंच से लेके तकरीबन 2.5 इंच तक आपको इस तरीके से एक ऐसे निशान लगा देना है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे झोल खत्म हो जाएगा। लेकिन झोल खत्म होगा, आपको यहाँ पे आर्मोल तो कम हो गया ना थोड़ा सा, तो इस चीज पे भी आपको फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे कोई भी तीरा रख लेते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया, और हम यहाँ पे गले वाले का आपको पहले आर्मोल लेंथ दिखा रहे हैं। इस तरीके से निशान लगा के यहाँ पे आर्मोल की हमने शेप दे दी। ध्यान से देखना, यहाँ पे गले का ब्रॉड हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम कर देंगे इस तरीके से इसको डाउन, ठीक है। डाउन करने के बाद दोस्तों इतने हिस्से को तो मैं काट के निकाल देता हूँ, ठीक है। इसमें ध्यान से देखना, ये मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे हम जो बैक पल्ला कटिंग करते हैं वो इतना इतना कटिंग करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो इसके निशान को भी मैं पहले से पहले लगा लेता हूँ। देखिए ये हमने लगा दिया। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज को आप ध्यान से देखना समझना। राउंड आर्मोल कितना है दोस्तों, 18.5, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जब आपका ये कटेगा तो आपका 1/2 इंच तो दबेगा दोस्तों कंधी, ठीक है। बाकी अब मैं पहले आपको इस वाले निशान से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर किसी में आपको इस तरीके सिलाई लगानी, किसी किसी की फिटिंग यहाँ भी आती है। तो जिसकी फिटिंग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से आप राउंड आर्मोल को नापेंगे। तो आपको इन चीजों ऐसे रखना है। अब ये देखिए यहाँ पे दोस्तों सूट ये कटिंग होगा, तो बाजू चढ़ाने का वजन आपका यहाँ पर होगा, यहाँ से बाजू चढ़ेगी। तो आपको इंची टेप से ऐसे रखना है, और इस तरीके से 1 इंच के आसपास आपको ऐसे ऐसे घुमाते जाना है, ठीक है, और इसको नापना है। देखिए मैं यहाँ पे नाप रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना आया दोस्तों, यहाँ पे आ गया 10.5 इंच। ध्यान से देखना 10.5। अब 10.5 को दोस्तों मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, और इसको अब मैं दोस्तों इस तरीके से नापना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड आर्मोल कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे राउंड आर्मोल आ गया 25.25 इंच, यानी कि टोटल में 18.5 और 25.25, ये आपका कितना बढ़ गया, 2.25 इंच आपका आर्मोल बढ़ गया। तो हल्का सा एक पैर तो बड़ा आपका आर्मोल होगा, क्योंकि कट स्लीव में अगर आप बड़ा रखेंगे तो पट्टी को खींचते हैं, इसलिए कट स्लीव में हल्का सा आपको 1/2 इंच आर्मोल बड़ा रखना है, जिससे कि जब हम पट्टी खींच के लगाएं तो वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इस जगह में हम यहाँ पे करीब मान के चलते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर 25.25 आया था, हम इसको मान लेते हैं कि हमारा 20 आया था, फिर भी हमारा 1.5 इंच आर्मोल बड़ा पड़ रहा है। 1.5 इंच आर्मोल जब बड़ा होगा इस निशान से, तो आप क्या करेंगे, आपकी जो यहाँ पे आर्मोल लेंथ आपने 7.5 पे अंदाजे से निशान लगाया था, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अंदाजा एक अंदाजा होता है, लेकिन मेन सिलाई होती है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि अंदाजे से आपने लिया 7.5, जब आप एक्चुअल नाप ले लेंगे किसी का भी, अगर नाप आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा तो आप नाप के हिसाब से यहाँ पर 7.5 से एक पैर कम करके 7.25 पे आर्मोल लेंथ कर देंगे, और ये वाला जो 1.5 इंच का डिस्टेंस है ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आर्मोल लेंथ कम कर लेनी है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस साइड से, मान लीजिए अब आपको यहाँ पे किसी का इसी साइज में आपको इस तरीके से कान खत्म करना है, तो अब यहाँ से इंची टेप से हम नापेंगे कि कितनी गैपिंग है। तो देखिए हम इसको ऐसे करके नापते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आ रहा है आपका 10.25। अब दोस्तों इसको दोबारा से हम यहाँ पे नापते हैं, दोस्तों यहाँ पे आ रहा हमारा 19.5, तकरीबन 1 इंच बड़ा आ रहा है। तो 1/2 इंच तो आपको बड़ा रखना है, ये आर्मोल तो 19 हो गया। तो यहाँ पे आपका हल्का फुल्का जो है बड़ा है, तो इतना जो आर्मोल होता है वो आपका एडजस्ट हो जाता है, इतने में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर इतना भी कम करना चाहते हो, आप चाहते हो बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप इसकी जो आर्मोल लेंथ है ना, जो एक पैर कम करी हमने, आप इसको हल्का सा इतना कम कर लो 1 सूत, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती है, ये होती है दोस्तों बिल्कुल नाप से परफेक्टली नाप होना। अगर आपका परफेक्ट नाप होगा तो आप इसको 1-1 सूट पे भी ध्यान दोगे, अंदाजे में 1/2 इंच 1 इंच ये चलता है, इस चीज का ध्यान रखें। तो मैं तो डायरेक्ट इस पर कटिंग कर दूंगा और बना दूंगा। तो यहाँ पर जैसे होता क्या है, अब आपको बताना चाहूंगा, अभी किसी ने आर्मोल यहाँ पे मैं कटिंग करके दिखाता हूँ, आर्मोल लोगों का ऐसे भी बढ़ जाता है। देखो मैं यहाँ पे कटिंग कर देता हूँ, फिर आप अच्छी तरह समझ पाओगे, ठीक है। अब देखिए आर्मोल आपका कहाँ बढ़ता है, जब मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा तो आप देखना यहाँ पे आर्मोल, ये वाली जो जगह होती है ना, ये ठीक है,
ये हिस्सा सीधा है, ये हिस्सा थोड़ा आड़ा है, ठीक है। लेकिन ये जो हिस्सा मैं आपको खींच के दिखा रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा हल्का फुल्का कहीं और होता है, तो ये क्या होता है, इस जगह पे इस तरीके देखिए, ये बढ़ रहा है ना हल्का सा। किसी किसी कपड़े, कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है कि ये कपड़ा तो ऐसे खींचा ये बराबर बैठ गया, लेकिन कोई कॉटन कपड़ा ऐसा होता है कि जब ये खींचता है ना तो ये उसी डायरेक्शन में ऐसे करके बढ़ ही जाता है आर्मोल। तो ये प्रॉब्लम भी किसी किसी में देखने को मिलेगी। तो ये चीजें क्या करना होता है, जब हम बाजू चढ़ाते हैं ना, तो बाजू में जैसे अभी ये इतना खिंच गया, बाजू चलाते हो इसको इतनी ही नम करके हम सिलाई से चढ़ा देंगे, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, ना इसमें कोई चुन्नट बनेगी ना इसमें कोई झोल आएगा। ये चीजें आपको कब पता चलती हैं, जब आप रेगुलर दिन के तीन चार सूट बनाते हो, तो ये ऑटोमेटिक आपके काम में आ जाता है, और ये इसे ही कहते हैं हम एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीजें आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आर्मोर लेंथ आपका इस जगह से भी बढ़ जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। काफी लोगों की कमेंट्स भी थे कि सर हमारा फ्रंट आर्मोल तो सही आता है लेकिन बैक आर्मोल जो है हमारा बड़ा हो जाता है। बैक आर्मोल बड़े होने की वजह सबसे भी यही है जो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पे आपने गले वाले में निकाला ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका यही चीज कॉलर वाला है तो कॉलर वाले में क्या करेंगे। तो देखिए अब जैसे मैंने यहाँ पे गले वाले में नॉर्मल निशान लगा दिया 7.5 पे, तो इस साइज में जो मैं निशान लगाऊंगा कॉलर वाले का, वो लगाऊंगा 8.5 इंच पे, सॉरी 8 इंच पे। तो देखिए एक निशान मैं ये लगाता हूँ, और अब निशान लगाऊंगा मैं आर्मोल लेंथ की 8 इंच पे, ठीक है। 8 इंच पे लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से करेंगे। अब काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सर ये आपने 8 इंच पे जो निशान लगाया ये किस क्यों लगाया, क्या वजह है, तो ये आपको इसमें ही पता चल जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीरा मान लीजिए इस साइज में मैंने नापा नहीं, आप तीरा यहाँ पे इस साइज में जो मेरा एक अंदाजा है वो पता है मुझे कि कम से कम 16 इंच के आसपास होता है। तो हम यहाँ पे 16 तीरा प्लस 1 पैर बाजू का मार्जिन यहाँ पे ऐड करेंगे, नीचे की तरफ में जितना तीरा होगा उसका हाफ कर लेंगे, और यहाँ पे इंची टेप रखे रखे तकरीबन 1 इंच या 1.25 इंच कम करके निशान लगा दें, ये आपका फ्रंट का निशान हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो कंधी डाउन होगी दोस्तों वो होगी 0.25 इंच, गले वाले में हमने करी थी 1.5 इंच, इसमें करेंगे 0.25 इंच, और इसको इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। अब ये मिलाने के बाद यहाँ पे अपना साइज रख लेंगे, कितना साइज दोस्तों, 44 का 1/4 11, जो मैंने भाई का नाप लेके दिखाया था उसी हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हमारा कमर का निशान आ गया, अब यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ये हो गया आपका बैक का, और ये हो गया दोस्तों आपका फ्रंट का। गला ब्रॉड यहाँ से होगा, जहां भी जितना भी होगा इससे आप इसको डाउन कर दोगे, ठीक है। डाउन करने के बाद इसमें भी हम 1/2 इंच किसी की काम निकलेगी तो हम इसको खत्म करेंगे, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ, इस पे भी आपको काम करना है। अब देखिए मैं इसको इस ऐसे कटिंग कर लेता हूँ, अब ध्यान से देखना जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर भी हम पहले इससे नापेंगे, ठीक है। अगर आप इस पे बना रहे हो तो आपको इससे राउंड आर्मोल नापना होगा, अगर ये वाले से कर रहे हो तो इसके हिसाब से राउंड आर्मोल रखना होगा। कंधी दबाव जाएगा हमारा 1/2 इंच। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे नापेंगे फ्रंट वाले पल्ले को, ठीक है, इस तरीके से गोलाई में कटिंग से। कटिंग करने के बाद आपका यहाँ पे जो बचेगा बाजू चढ़ाने का मार्जिन, वहां से आपको नापना है। देखिए दोस्तों उसमें भी 1/4 आ रहा था, इसमें भी 1/4 आ गया, ठीक है। और इसको फिर 1/4 को यहाँ पे रखेंगे और बैक वाला नापेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए इसके अंदर आ रहा है आपका 19.5 तकरीबन, इसमें भी आपका ये हल्का बढ़ के आ गया। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपका इसी सिलाई पे ये वाला निशान बिल्कुल ओके है, ठीक है, और आपका ये बढ़ के आ गया, फिर आपको वही काम करना है कि जो हमने 8 इंच रखा था आप इसको 1 पैर कम कर लें, ठीक है। आपकी आर्मोर लेंथ बिल्कुल ओके, जब ये ऊपर होगा तो ये वाली जो गैपिंग डाउन में जा रही है ये आपकी ऊपर आ जाएगी। देखिए मैं करके दिखाता हूँ पैन की मदद से, ठीक है, जिससे कि आप इजी निशान देख पाए। ये देखिए ये निशान हो गया। अब ये निशान होने के बाद अब मैं ये चौक से ये निशान लगाता हूँ ऐसे करके, देखिए ऊपर वाले पे लगा दिया। मैं चौक दूसरा निशान लगा के फिर आपको समझाता हूँ, दिख रहा है ना भाई के लिए, मन कर देना। तो ये देखिए दोस्तों मैंने येलो कलर के इस तरीके से देखिए निशान थोड़ा और डार्क कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पर ऐसे निशान लगा दिया, ठीक है। अब ये वाला निशान जो है सिलाई हमारी यहाँ पर आएगी ना, तो यहाँ से हम इसको नाप लेते हैं भाई फ्रंट वाले को हम, ठीक है, ऐसे करके दोस्तों 10 इंच में 1 चुत कम यहाँ पे रखेंगे इसको, अब पैक वाले पे नाप लेंगे, ठीक है, येलो निशान से दोस्तों 0.19। तो यहाँ पे जो आपका आर्मोल आ रहा था 0.20, 1 इंच कम हो गया, 1 पैर कम करने से 1 इंच आर्मोल लेंथ कम हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपका 2 इंच होता तो आप यहाँ पे 1/2 इंच आर्मोल लेंथ कम कर लो,
सेम तरीका है जिस तरीके इस नाप पे हमने आर्मोर लेंथ आपको समझाई। अगर आपका ये नाप आता है फिटिंग में तो इस नाप से दोस्तों आप बनाएंगे। अब देखिए एक प्रॉब्लम और हो सकती है आपको, जब आप इसको बनाते हैं ठीक है, तो कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है कटिंग करते वक्त अलग होता है, लेकिन जब बनाओगे ना आप, अब जैसे ये निशान है ठीक है, अब इस निशान पे आपका नाप आना चाहिए 22 इंच, ठीक है ये 22 आ रहा है बिल्कुल। किसी किसी में ये आपका 21.5 पे भी आएगा, किसी किसी का ये 22.5-23 भी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब ये वाला नाप आपका बढ़ेगा तो इस जगह पे आर्म लेंथ भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये आप कभी भी सूट बनाएंगे तो इन बातों का ख्याल रखना है कि बिल्कुल परफेक्ट नाप लेके बनाएंगे। अगर आप नाप से आर्म लेंथ कुछ भी निकालते हैं तो परफेक्ट नाप लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। और ये जो चीज है ना, ये जो आर्म लेंथ हमने रखी है, ये आपका किस किस में आर्म लेंथ रखी जाती है, तीरा बड़ा रखा जाता है, जैसे आपका बोट नेक, कॉलर नेक या बैक गला 3 इंच 4 इंच का बनाते हैं तो इसमें आपको आर्म लेंथ बड़ी रखनी होती है। बाकी ये वाली जो आर्म लेंथ हमने आपको बताई थी, ये आर्म लेंथ आपका बैक नेक 5 इंच से स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आप चाहे 13 इंच तक बनाओ इसी तरीके से आर्म लेंथ रखी जाएगी ठीक है। तो आपने देखा 44 साइज के अंदर एक आर्म लेंथ मैंने 7.5 पे कटिंग की, एक आर्म लेंथ मैंने यहाँ पर 8 इंच पे कटिंग करी ठीक है। और दोनों में डिफरेंस आपको मैं दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए, काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर आपने यहाँ पे आर्म लेंथ जो है ना कॉलर वाले में, इसकी लेंथ को बढ़ा के क्यों रखा ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग किया, नॉर्मल वाले में हमने यहाँ पे कटिंग किया ठीक है, तीरे को कम करके, कितना तीरा कम किया है देखिए, इस तरीके से तीरे को कम करा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसी हिसाब से तीरा कट करके ठीक है। अगर आर्म लेंथ बड़ी होगी यहाँ पे हम तीरे को ऐसे कम कर देंगे, तो यहाँ पे आप आर्म लेंथ देखना कहाँ जाएगी, इसको हम नापते हैं, ये आगे दोस्तों आपकी 10.5 इंच पे ठीक है। और इसी तरीके से जब आपको यहाँ पे यहाँ से फ्रंट जाएगा, ये आपका फ्रंट वाला निशान जाएगा ठीक है, इस पे भी नाप के दिखा देता हूँ 10.5। और इसके बाद हम इसको यहाँ पे नापेंगे तो ये 22 इंच हो गया। तो आप बताओ 18.5-22 क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे ना ये सारी चीज, ये आपकी पूरी की पूरी झोल पड़ जाएगी, इसी की वजह से आपके कंधे गिरेंगे, यहाँ पे झोल पड़ेगी, ये चीज उठेगी, बहुत प्रॉब्लम आती है। इस वजह से हम कॉलर वाले में आर्म लेंथ को बड़ी रखते हैं, क्योंकि वो हिस्सा आपका यहाँ से पास हो जाएगा और यहाँ से जितना हिस्सा चेस्ट और इसके बीच की गैपिंग पास होगी, जैसे कि अब ये निशान हम लगाते हैं ऐसे हल्का हल्का, और ये गैपिंग, और ये गैपिंग जितनी पास होगी आपका राउंड आर्मोल उतना ही कम हो जाता है, और ये हिस्से में जितनी दूरी होगी तो वो ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाता है। इसलिए हम गले वाले में तीरे को कम करते रहते हैं, उसकी वजह भी मैं आपको इसी में बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ से हम इसकी दूरी नापेंगे, ये है 8 इंच, इधर नापेंगे ये होगी आपकी 7 इंच। और यहाँ पे आपका ये तीरा यहाँ कैसे जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जब हम आर्मोल की बात करें तो इसमें तीरा भी मैं आपको समझा देता हूँ। जब हम यहाँ पे गले को कटिंग कर लेंगे तो ये जब हम इसको ऐसे करेंगे ठीक है, ऐसे करके ठीक है, जब हम इसे ऐसे करेंगे तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा लोग शिकायत करते हैं कि इस जगह झोल पड़ जाती है, जब हमारा गला ये इतना नहीं आएगा पहनने का, ये इतना फैलेगा अपनी जगह पे पहुंचेगा, तो जब ये पहुंचेगा तो ये चीजें ना इस जगह पे दोस्तों झोल क्रिएट करती है। तो ये झोल पे हम यहाँ पे प्लेट वगैरह डाल देते हैं तो खत्म हो जाता है, किसी किसी की बॉडी शेप ऐसी होती है कि उसमें झोल आती ही आती है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम जो है इसको कर देते हैं, तो ये चुन्न डालते हैं यहाँ पे भी आर्म लेंथ कम हो जाती है। तो अगर आप प्लेट डाल लो मुड्डे में तो भी आपको प्लेट का मार्जिन आर्म लेंथ में बढ़ा के रखना होगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको आर्म लेंथ से रिलेटेड आपको एक एक चीज समझा दी। और अंदाजा जो होता है दोस्तों, इसी तरीके से हमें मालूम है कि जैसे मैंने आपको बताया, देखो मेरा अंदाजा कि आर्म लेंथ 44 साइज में मैं रखता हूँ 7.5 पे, लेकिन यहाँ पे आपका जो आर्म लेंथ बैठी वो बैठी 7.5 पे, एक पैर का फर्क पड़ा है। तो एक पैर का फर्क दोस्तों पड़ता है अंदाजे में, लेकिन आप कभी भी परफेक्ट नाप लेके बनाते हो किसी का भी, अगर आपने आर्म लेंथ गलत ले लिया तो दोस्तों आपका आर्म लेंथ भी गलत ही कटेगा। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि इस चीज में पूरी डिटेल में ना जाकर जो मैंने अंदाजे से आपको बताया हुआ है वीडियो के अंदर, उस हिसाब से आर्म लेंथ रखो, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अच्छा लेडीजों का क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हमें ना एक परफेक्ट आर्मोल पता चल जाए, उन्होंने परफेक्ट आर्मोल तो नाप लेके निकाल दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन जब बनाते हैं तो फिटिंग किसी को बनाई उनकी फिटिंग खराब हो गई। अब वो कहते हैं कि नाप तो हमने ओके लिया था, ऐसा क्यों हो गया। तो मैंने आपको बताया ना, किसी किसी की ये जो झोल पड़ रहा ना, मैंने दिखा, इसी झोल में आपने आर्म लेंथ बड़ा ले लिया, अब उसका आर्म लेंथ बड़ा कट गया, अब जब उसने पहना उस टाइम तो टी शर्ट होगी नहीं, वो तो नॉर्मल कमीज पहनेगी, नॉर्मल कमीज पहनेगी तो ये जो आर्म लेंथ है वो उसका लटक जाएगा। फिर आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि नाप लेने ही मेन चीज है। अगर आप कोई भी फार्मूला निकाल तो किसी भी चीज का, नाप गलत फार्मूला गलत। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से ये जितने भी फार्मूले मैंने बताए ना यूट्यूब पर, ये किसी यूनिवर्सिटी या किसी चीज से या कहीं पे जाके मैंने नहीं सीखे,
मैंने 3-4 मास्टरों की कटिंग को मिलाकर अपने आप जो कटिंग की है वो ऑटोमेटिक मेरा लगा कि हाँ ये फार्मूला सही काम कर रहा है, मेरी बुटीक पे अल्टरेशन नहीं आती, वही चीज मैं आपको सिखाता हूँ। तो ये चीजें होती है दोस्तों, आप परफेक्टली अगर यहाँ पे नाप लेके करोगे तो आपको परफेक्ट नाप लेना होगा और उसी हिसाब से फार्मूला रखो। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने बताया, आप यकीन मानो आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हो ये वाली, और अगर आप मेरे तरीके से बनाते हो, आप आर्म और लेंथ का नाप पे ध्यान ही नहीं रखते, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी सूटों में क्या अल्टरेशन आती है, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता लगना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो मैंने आपको फार्मूले अपने हिसाब से बनाए हुए हैं इसका इतना अच्छा रिजल्ट है कि मेरे को टेंशन ही नहीं है किसी चीज की, और इसी हिसाब से ही मैंने अपने फरमे की कटिंग की हुई है। और फरमे जितने लोगों ने लिए होंगे कमीज के तो आप मुझे बताना, क्योंकि ये ब्लाउज वाली नहीं है, ये कमीज के फरमे हैं, वो कमीज की मैंने आपको बताई है, ब्लाउज की अलग आती है। तो वो लोग नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना कि उनको फरमे किस तरीके के आर्मोल बैठते हैं, या किस तरीके की दोस्तों उनके फिटिंग वगैरह कमीज की आती है, या जो मेरे मेथड से बनाते हैं उनका सही बनता है गलत बनता है, सारी चीजें इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखना। और लोग जो पढ़ते हैं ये कमेंट्स तो उनको भी लगेगा कि हाँ हमारी कटिंग में, मतलब जो हम सिखाते हैं या जो फरमे सेल करते हैं या जो मैं यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ, क्या ये सही सिखा रहा हूँ या गलत सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक रिव्यू मिल जाएगा उनको। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपको ये क्लियर करने की कि आर्म और लेंथ के लिए आपको नाप कैसे लेना है और नाप सही होना चाहिए और किस तरीके से आप रखेंगे। तो आई होप ये वीडियो देख के तो आपको आर्म और लेंथ कमीज में निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।